नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। लोकसभा के चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, देश में फिर से मोदी सरकार बन गई, लेकिन 50 दिन बाद भी कांग्रेस मंथन, चिंतन और मनन का दौर जारी है। हार की जिम्मेदारी खुद पर लेकर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। तमाम कोशिशों और मान मनोबल के बाद भी अपने फैसले पर अडिग है। देश भर से 150 से ज्यादा पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफे की पेशकश के बाद भी राहुल गांधी नहीं टिके। आज पांचों कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सीएम गहलोत की अगुवाई में राहुल गांधी को एहसास कराया गया कि कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता आज भी राहुल गांधी को ही अध्यक्ष देखना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, हार भुलाकर जीत की राह पर चलना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के दिमाग में रह रहकर वही प्रश्न घूम रहा है कि आखिर कौन है इस हार का जिम्मेदार। उनके बातचीतों में हमने करी है और हमने भी कहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति देश की बनी है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, पहले भी हुई है, उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना है। राहुल गांधी जी ने हमारी बातों को गौर से सुना है गौर से सुना है। हम उम्मीद करते हैं कि वो पॉजिटिव फैसला करेंगे। अतीत के आईने में झांका जाए तो 60 के दशक में भी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कामराज प्लान लागू किया गया था, जिसमें संगठन को जनता के बीच जाने और फिर से जनाधार मजबूत करने का फॉर्मूला दिया गया था। कामराज प्लान का ही चमत्कार था कि देश को हीरा लाल शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री मिले। तो क्या मान लिया जाए राहुल के प्लान से कांग्रेस को फायदा होगा, या फिर कांग्रेस में हो रहा है इंतजार कि कौन बने हार का जिम्मेदार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काम आएगी दिग्गजों की मनुहार और मान जाएंगे राहुल गांधी? जी हाँ, बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हमारे साथ है पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी जी, बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी और साथ ही लेफ्ट नेता डॉक्टर संजय माधव जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। वासुदेव देवनानी जी, वैसे तो शुरुआत कांग्रेस से ही करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता यहां पर मौजूद नहीं है, ना ही डिबेट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम जो कांग्रेस में चल रहा है उस पर बीजेपी क्या सोचती है, क्या मानती है? वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है जी, कि चुनाव के बाद आत्ममंथन करके कुछ स्वयं निर्णय करे। लेकिन चूंकि ये सारा देश के साथ भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, अतः सारा देश इनको निहार रहा है। जब राहुल गांधी व्यथित होकर के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया, उस समय उनकी शायद अपेक्षा रही होगी कि मेरी तरह बाकी राज्यों के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपने पदों से त्याग पत्र देंगे। ये उन्होंने हाल ही में एक जगह कहा भी कि मेरे तो अभी तक लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। ये एक स्पष्ट संकेत है कि जो कांग्रेस के प्रमुख राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अपने पदों से त्याग पत्र दे करके उनको खुला हाथ दें, ताकि जिस प्रकार कहा कि कामराज योजना पहले लागू हुई, यह भी कांग्रेस के अंदर परिवर्तन लाए। लेकिन कांग्रेस के अंदर चूंकि एक प्रवृत्ति रही वंशवाद की, वह गांधी परिवार से बाहर देखना ही नहीं चाहते, इसलिए बार बार उनको मिन्नत कर रहे हैं, बार बार उनका आग्रह कर रहे हैं, बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं। लेकिन 50 दिन एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, जिसके कारण से सारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली रहते हैं, जिसके कारण से राज्यों में जनता परेशान है कि वो शासन चल नहीं रहा है। हम राजस्थान को ही लें, राजस्थान में दोनों के दिल्ली के में रहने से आज राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है, ना कानून व्यवस्था संभल रही है। यानी आप ये मानते हैं कि प्रदेश से ज्यादा दिल्ली में मौजूदगी कहीं ना कहीं नुकसान है प्रदेश के लिए भी। संजय माधव जी, कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है, क्या लगता है राहुल के इस प्लान से कांग्रेस को फायदा होगा? नाराजगी है, इस्तीफा दे दिया है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दिग्गज नेता है, वो राहुल गांधी की तरह किसी को चाहते नहीं कि अध्यक्ष बने, गांधी परिवार से ही हो, और यही वजह कि इस पर विराम नहीं लग पा रहा है। और जिस तरह से वासुदेव जी ने सवाल खड़े कर दिए कि प्रदेश भी इसमें सफर कर रहा है, नुकसान प्रदेश का भी हो रहा है, ज्यादातर दिल्ली में मौजूदगी रहती है। नहीं, जिस तरह की बड़ी हार हुई है, निश्चित रूप से उस पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और इसमें कोई, ये वैसे सही कहा देवनानी जी ने कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो 50 दिन करें या 50 महीने चिंतन करें, लेकिन ये बात सही है कि आज जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं, यदि सरकार के मुखिया और जो सत्ताधारी दल के अध्यक्ष हैं, वो अगर
सारा समय जो है 50 दिन काफी लंबे समय है, और मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरा का पूरा एक बहुत सारी चीज़ें जिम्मेवार होती हैं। चुनाव के अंदर जैसा हुआ, कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक व्यक्ति कोई चुनाव जिता देता है, एक व्यक्ति चुनाव हरा देता है। और अभी मुख्य बात यह है कि देश के सामने सरकार जिस प्रकार की नीतियों को लेकर काम कर रही है, केंद्र सरकार नए नए जो फैसले ला रही है, उनके ऊपर विपक्ष मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे और जो भी करना है जल्दी फैसला करके, यदि अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं रहते तो भी कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कोई दूसरा अध्यक्ष बन जाए तो कोई इससे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा, लेकिन कांग्रेस को फैसला करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये जीत हार जो है चुनाव की कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, इसको लेकर के आप ताजिंदगी बैठे रहें। ये बीजेपी भी 2 सदस्यों तक पहुंच गई थी और आज सत्ताधारी दल बनकर दूसरी बार सत्ता में आई है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा इसको डिले नहीं करना चाहिए। इससे राजस्थान और जैसे जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में जनता का नुकसान हो रहा, साथ ही वो विपक्षी पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेवारी का कांग्रेस को संसद में निर्वाह करना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी से इतर, जिस जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो तय करना चाहती है कांग्रेस, लेकिन जिम्मेदारी किस चीज की? हार की, सिर्फ हार की जिम्मेदारी कौन ले, इसे लेकर इतना लंबा अंतराल बीत चुका है, अभी भी सब उस पर फोकस है? ऐसा नहीं लगता है सुमन जी कि जो अहम मुद्दे या राज्य सरकारें भी फोकस होकर काम नहीं कर पाएंगे, वो डिफोकस हो रही इस वजह से कि कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को चाहते हैं, कार्यकर्ता कुछ बोल रहे हैं, नेता वहां मिलने भी जाते हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी को मनाया नहीं जा सका है, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिस तरह से अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज कह रही थी मिला है और शायद जल्दी कुछ। देखिए एक बात कहना चाहूंगी सुविधा जी कि कांग्रेस बहुत ही इमैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने पूरे देश ने भी देखा और उनके पार्टी के लोग भी देख रहे हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया कि ठीक है मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है, इसको वो समअप भी कर सकते थे। ये जो ड्रामा देश में बना रहे हैं ना, उनको लगता है किसी ने ज्ञान दिया है कि आप इसी तरह करते रहें तो आपका शायद ग्राफ या लाइकिंग शायद बढ़ जाए और इससे कोई पार्टी में परिवर्तन हो जाए। तो मुझे 2 लाइन उन पर याद आता है कि कांग्रेस के जिस तरह आज दिल्ली में सारे चीफ मिनिस्टर इकट्ठा हुए, तो वो एक बहुत पुराने फिल्म का एक गाना है कि तुम रूठे रहो मैं मनाते रहूं, इन अदाओं पे और प्यार आता है। पर ये हकीकत नहीं, अदाओं पे जनता को प्यार नहीं आने वाला है। राजस्थान ही नहीं, जितने भी राज्य में इनके मुख्यमंत्री हैं, 4 हैं जुम्मे या 5 हैं, जो उन राज्यों की जो स्थिति आप देखिए, हम राजस्थान में रहते तो राजस्थान पे चर्चा करूं कि राजस्थान में नई सरकार का बनना और उसके बाद जो नई सरकार बनती है फिर काम जो होना होता है वो सब डम पड़ा हुआ है। चाहे आप स्वास्थ्य को देख लीजिए, चाहे जल जैसी भीषण परिस्थिति राजस्थान को पानी के संकट से दौर से गुजरना पड़ रहा है, वो मंत्रालय में कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है क्योंकि सब लोग अनरेस्ट हो चुके हैं। अब वो लोग करें क्या, वो लोग करें क्या, वो तो मनुहार में लगे हुए हैं जाके कि राहुल जी मान जाइए, राहुल जी मान जाइए, जैसे अजीब सी स्थिति है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ही मैच्योरिटी का शिकार कांग्रेस हो रही है। अभी कोई हार जीत, जैसा आपने कहा और लोग भी कहते हैं कि हार जीत कोई मायने राजनीति में नहीं रखती है, चिंतन मंथन होता है आगे बढ़ना, लेकिन आप भाग जाओ। ये तो राहुल गांधी पलायन कर रहे हैं कि भाई मैं तो बनूंगा नहीं, मैं तो पलायन कर रहा हूँ। जीत हार चुनाव में होती है और उसके बाद फिर से जुटना पड़ता है सबको साथ लेकर, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, इंतजार सभी को है कि ठीक है अध्यक्ष पद पर राहुल ही रहें या फिर बदलते भी है तो भी कुछ हो, क्योंकि अगर जनता ने कांग्रेस को बड़ा मैंडेट दिया है तो वो भी सोच रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए आप बिल्कुल सही बोल रही हैं श्वेता जी, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ही खतरे की घंटी नहीं है, ये समूचे भारत देश के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जो राहुल गांधी जी का आचरण हो रहा है या तो जो कांग्रेस का आचरण हो रहा है उससे तो पूरा विपक्ष ही कमजोर हो रहा है भारत देश में। एक लोकतंत्र में विपक्ष की कितनी अच्छी भूमिका हो सकती है, लोकतंत्र को और देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाने पर विपक्ष बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इन सब के जो ये नाटक चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर, जो कार्यशैली अभी चल रही है, इससे तो विपक्ष ही खत्म हो रहा है, यानी लोकतंत्र को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाया जा रहा है। और एक दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी जी को 4 तरीके की कांग्रेस विरासत में मिली जो वो मैनेज नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी जी के समय की कांग्रेस भी मिली, संजय गांधी जी के समय के भी नेता मिले, राजीव गांधी जी के समय के भी नेता मिले हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चीफ पिदम्बरम साहब हो, या सैम पित्रोदा साहब हो, जो ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जिससे कि राहुल गांधी जी संभाल नहीं पाते जिनको, और उनको स्वयं के नेतृत्व वाले भी नेता मिले, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, उनके हम उम्र वाले युवा शक्ति हो, इन चारों नेताओं को, 4 कैटेगरी के नेताओं को वो साथ लेके नहीं चल पाए और ये 4 कैटेगरी के नेता उनको दबाते हुए आए हैं। उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी का कहीं ना कहीं अभाव
है जिसके कारण से ही कांग्रेस का ये हाल हुआ है पूरे भारत देश में। और अब ये नाटक खत्म करना चाहिए क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक है यदि हमें प्रगति के रास्ते पे चलना है। बिल्कुल वासुदेव जी, मजबूत विपक्ष होना चाहिए और जिस तरह से चुनाव में जंग होती है नजर आती है वो तभी मजा आता है जब मजबूत दावेदार सामने हो और उसके बाद उसे हराया जाए। बीजेपी जिस तरह से एक बड़े मैंडेट के साथ जीत दर्ज कर चुकी है लेकिन कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं उससे कुछ बड़ा बदलाव कांग्रेस में हो जाएगा, इस पर जल्द विराम लगना चाहिए या इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? देखिए लोकतंत्र में विपक्ष रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अपरिपक्व राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर अपने परिवार के प्रियंका को उन्होंने महामंत्री बनाया, अपनी माताजी संरक्षक हैं, तो एक परिवार से बाहर निकल करके कोई चल नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस का भला तो वास्तव में तभी होगा जब इसे गांधी परिवार से अलग हट करके कांग्रेस में कई प्रतिभाशाली लोग हैं वो आगे आए और नेतृत्व संभाले। ऐसी खबरें मिल रही हैं सुशील कुमार शिंदे को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यहाँ जो वंश की भक्ति का सवाल है, कौन नहीं कोई बनता है तो अच्छा है लेकिन ये नाटक और ड्रामा दोनों खत्म होने चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। आज राजस्थान में 25 से 25 सीटें हारना जबकि सत्ता में अशोक जी मुख्यमंत्री हैं, तो इनको जिम्मेदारी लेकर के और सचिन जी को जिम्मेदारी लेकर के अपने पदों से त्याग पत्र दे करके तय करना चाहिए कि भाई हमें जनता का समर्थन नहीं मिला। इस जो बैठक हुई आज विधानसभा में, जो बैठक हुई आज उसमें कहा जा रहा है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने जिम्मेदारी ली है अपने राज्यों की और राहुल गांधी ने कहा है अभी तो फिलहाल काम करने के लिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे जानकारी मिल रही है कि बात रखी गई है, समझाया गया है। नाटक तो खत्म हो। हाँ ये बात जरूर है कि इस पर विराम कब लगे, हालांकि और राहुल गांधी तो इनको संकेत दे चुके हैं। हाँ, ये उनके संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके संकेत को कैसे माने। हाँ ठीक है सर, लेकिन संजय माधव जी एक और अहम बात है, राहुल गांधी ने इनकी बातें सुनी है, जो कहना था आर की जिम्मेदारी लेने को लेकर जो पांचों राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे उनकी भी बात उन्होंने सुनी और जिस तरह अशोक गहलोत ने कहा कि सही वक्त पर फैसला लेंगे राहुल गांधी, अब ऐसा नहीं लगता कि सही वक्त के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा ही देरी हो रही है? श्वेता जी इस आम चुनाव के अंदर बहुत सारे मंतव्य जनता के लिए छुपे हुए हैं और सिर्फ राहुल गांधी एक पक्ष देख रहे हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त हो गया और कांग्रेस हार गई और भी बहुत सी पार्टियां हारी हैं, हमारी पार्टी भी हारी है, लेकिन इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे इस जनादेश में चीजें छिपी हुई हैं जो देश के लोकतंत्र और देश की जनता के खिलाफ हैं और उनको यदि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस यदि उनके खिलाफ खड़ी नहीं होती और एक अग्रणी भूमिका नहीं निभाती तो पूरे देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था आज खतरे में है। आप देखेंगे इस चुनाव में जिस प्रकार का धन 55,000-60,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस चुनाव में हुआ है लगभग, और जिस प्रकार से अभी जो सांसदों की जो आया है लोकसभा में जो संसद चुनकर के आए हैं उसके लगभग 85-90% सांसद जो है सभी करोड़पति अरबपति जो है अभी पूंजीपति लोग जो है संसद में पहुंचने का रास्ता चुनाव को बना लिया है। जिस प्रकार से चुनाव के अंदर धनबल का और बाहुबल का और तमाम तरह के मीडिया का और जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है उन सब चीजों को यदि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस और तमाम दूसरे दल यदि एड्रेस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये देश जो है जिस प्रकार से एकाधिकारीवादी प्रवृत्ति जो है अभी नजर आ रही सरकार की वो बढ़ेगी और निश्चित रूप से खाली ये चुनाव कोई किसी कांग्रेस या किसी पार्टी की हार जीत का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र, इस देश की आम जनता, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवाल, वो सारे के सवाल बिल्कुल। डॉक्टर संजय माधव ये बात आपने सही कही लेकिन एक और अहम बात है कि जहां पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है वहां बस बात नहीं कर रहे लेकिन जहां सत्ता पक्ष है के तौर पर है, जहां पर राज है कांग्रेस का, वहां पर भी तो काम पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल, मेरा कहना है कि इस चुनाव के पूरे जनादेश को पूरी ईमानदारी के साथ में एक संविधान के दृष्टिकोण से देश की जनता के नजर से विपक्ष पार्टी होने के बाद देखने की आवश्यकता है और इसको जनता के सामने लाने की आवश्यकता है। इस चुनाव के जनादेश में बहुत सारी चीजें ऐसी छिपी हुई है जो देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। यदि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां उसको नहीं खोलेंगी तो आने वाले समय में पूरा देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। इस बात को राहुल गांधी जितनी जल्दी समझ जाए और कांग्रेस पार्टी जितनी जल्दी समझ जाए, ये खाली चुनावी हार जीत का सवाल नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का सवाल भी है। सरकार यदि सरकार के ऊपर विपक्ष का अंकुश नहीं होगा, यदि जो चुनाव में जो नकारात्मक चीजें उभरी है उनको यदि विपक्ष उठा करके संसद के अंदर संसद के बाहर लड़ाई नहीं लड़ेगा तो निश्चित रूप से इससे सरकार के जो है एकाधिकारवादी होने का खतरा रहेगा और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसे कांग्रेस को समझना चाहिए। सुमन जी इस पर क्या कहेंगे आप, जो संजय माधव जी ने बड़ी बात कही है यहां? नहीं नहीं बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑपोजिशन में जो लोग होते हैं उनको चिंता होती है कि जो सत्ताधारी पार्टी है ऑपोजिशन, इसीलिए लोकतंत्र में कहा गया है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग रहना चाहिए,
लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ऑपोजिशन स्ट्रांग की बात सोच रहे हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। दूसरी बात जो मुझे लगा कि देखिए कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी, कितनी विशाल पार्टी थी, और आज भी उसका अस्तित्व तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन एक अध्यक्ष का निर्णय नहीं कर पा रही। अगर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, मैंने पार्टी में पैरेलल कोई है ही नहीं जो ये निर्णय करे कि भाई हम लोग मिलके इसको अध्यक्ष बनाते हैं। राहुल गांधी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, राहुल गांधी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, नॉन गांधी चाहिए, गांधी परिवार से अध्यक्ष। मतलब नॉन गांधी इनके पास कोई नहीं है, पूरे इतने बड़े जो बट वृक्ष के रूप में कांग्रेस है, हर राज्य में इनके कार्यकर्ता तो है ही ना, सरकारें चली गई इसका क्या मतलब हुआ, संगठन तो इतने साल पुराना है, तो नॉन गांधी इनको नहीं मिल रहा है। अब आप सोच लीजिए कि कितने तरह से कांग्रेस पैरालाइज हो चुकी है। ऐसे भी तो देख सकते, हो सकता है इन्हें मिल रहा हो लेकिन सहमति नहीं बन रही हो, सहमति नहीं बन रही हो, चुकी दास्ता के अधीन हो चुके कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, और गांधी परिवार के दास्ता में ही जी, माने उसी दासगिरी में रहना चाहते हैं कि वो जो कहेंगे दाई माई आप ही से चलेगा कांग्रेस, इस मानसिकता के कांग्रेस को राहुल गांधी से कुछ उम्मीद हो सकती है क्या? मुझे बहुत दुख भी होता है, और मुझे दुख इससे भी ज्यादा होता है कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ लीडर लोग बैठे हैं, चाहे आज अशोक गहलोत ही हैं, ये राहुल गांधी से कितने टाइम सीनियर आदमी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो महासचिव हैं, बहुत सारे पदों पे बैठे, वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी एक बचकाना खेल खेल रहे हैं, उनके साथ ये लोग भी कि हाँ गुणगान कर रहे हैं साहब, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, कार्यकर्ता दुखी हो रहा है आपके बगैर ऐसा हो जाए, अरे ऐसी पार्टी होती है कोई क्या कि एक व्यक्ति के बिना पार्टी खत्म हो जाए, ये स्थिति पे कांग्रेस आ गई है। मुस्कुरा रहे हैं संजय माधव जी, कुछ कुछ तो है। अध्यक्ष का शायद संकट है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में, अमित शाह की जगह दूसरा अध्यक्ष बीजेपी भी नहीं बना पा रही है, वो बन गए नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जो नहीं, है नहीं, दूसरा लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष पद ही ऐसा है कि दिन भी खाली नहीं रहा, हमने तुरंत कार्यवाहक अध्यक्ष दे दिया, मंत्री बन गए तो अध्यक्ष छोड़ देना चाहिए देश का। अरे तो कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ आपको पता नहीं है? हमारे यहाँ मेंबरशिप चल रही है, हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है, तो ये हमारे यहाँ एक पूरा संगठनात्मक व्यवस्था है जिसको कहते हैं ना, आप तो उसी पार्टी के हो जहाँ कैडर बेस्ड पार्टी बोलते हैं, सीपीएम और कम्युनिस्ट को तो बहुत अनुभव है, तो हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं जहाँ एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन कांग्रेस देखिए ऐसे कोलैप्स हो जाएगी, राय के पहाड़ की तरह बिखर के रह गए, ये बहुत अजीब स्थिति है। और राहुल गांधी की ई मैच्योरिटी पे कोई कांग्रेस में बंदा नहीं है जो बोले कि नहीं ऐसा होना चाहिए और ये हम लोग का निर्णय है, वहां जाके रोना कर रहे हैं, आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगला नहीं बनना चाहता है, नहीं बने। आप लोग के लिए तो बोझ था, हकीकत ये था कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए, लेकिन ये भी तो देख सकते हैं आप कह रहे हैं रोना रो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इस तरह से भी तो देखा जा सकता है कि सब चाह रहे हो कि राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, नाराजगी हो, दुख हो कि हार की जिम्मेदारी ले रहा हूं, बड़ी हार हुई है, बड़ी हार हुई है। अरे भाई मैं कह रही हूँ श्वेता कि एक लीडर, मान लो राहुल गांधी स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा नेतृत्व सही नहीं हुआ और पार्टी पर चली गई, तो इसको स्वीकार करने में बाकी कांग्रेस के लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? मेरी या तो अशोक गहलोत को लगती है कि मेरी कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी, वो स्वीकार करते हैं वो हटते हैं तो हमें भी हटना पड़ेगा, उधर कमलनाथ सोचते हैं, बाकी पंजाब के चीफ मिनिस्टर सोचते हैं, तो सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, खेल खेल रहे हैं, पर देश का कितना नुकसान हो रहा है इससे, देश का मीन्स राज्यों का, जिन राज्य में कांग्रेस शासित राज्य है वहां कितना नुकसान हो रहा है। वासुदेव देवनानी जी, सर जिस तरह से हो रहा है जिम्हार की जिम्मेदारी लेने को लेकर लगातार डिले हो रहा है, कोई एक नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है, राहुल गांधी मान नहीं पा रहे, आपको क्या लगता है? देखिए अब जो लोकसभा चुनाव में हार हुई उस पर ये सब कुछ चल रहा है, अभी उपचुनाव होने हैं, आने वाले कई राज्य जिन पर विधानसभा चुनाव होने, कितना फर्क इन चुनावों पर भी पड़ेगा कांग्रेस के इस तरह से जो कुछ चल रहा है उसे लेकर? श्वेता जी एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि 17 राज्यों में कांग्रेस शून्य पे आ गई, इस कारण नेतृत्व इनका पूरी तरह राहुल गांधी नेतृत्व देने में असफल रहे, इसलिए वो जाना चाह रहे हैं तो जाने देना चाहिए, यदि ये लंबा चला तो बाकी जिन 3 स्टेट में अभी चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस वहां भी शून्य पे आ जाएगी, ये कांग्रेस की स्थिति बनने वाली है। लेकिन अभी जीत तो विधानसभा चुनाव में तो जीते हैं, इनको अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। वासुदेव जी बीजेपी को हरा कर ही तो अभी 3 राज्यों में सरकार बना, अरे वो तो किस तरह से वो भी जीते नहीं है, अरे किनारे आए, अरे इनको 99 सरकार तो टेक्निकल बन गई, लेकिन इनको 99 अब 100 हो गए, तो वहां भी कोई जीते नहीं है, कुल मिलाकर 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले, 3 वोट एक बूथ पे ज्यादा मिले, तो कोई जीत नहीं है, जीत तो अधिक 25 में 25 हम लोग लेकर के आए, या मध्य प्रदेश में हम जो है 29 में 28 लेकर के आए, ये जीत कहती है, तो जीत का कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और राहुल का नेतृत्व है।
राहुल जिस तरह से इन्होंने चुनाव प्रचार किया उसमें राहुल पूरी तरह अनसक्सेस हैं, नेतृत्व तो नहीं दे सकते, इसलिए गैर गांधी किसी को इनको नेतृत्व तो देना चाहिए ताकि लोकतंत्र बना रहे। ये नहीं कि राहुल नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं होगा, कांग्रेस नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं होगा, ये खतरे में हो जाएगा। इस तरह की बातें सोचना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इसीलिए देश के हित में तय है कि यदि राहुल नहीं रहना चाहते इनको किसी को पूरा देश इंतजार कर रहा है। वासुदेव जी, इसलिए पूरा देश इंतजार कर रहा है क्योंकि देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है कांग्रेस है, ये तय करें। मुख्य चुनाव जो होता है वो इन्हीं दोनों पार्टियों के सामने ही होता है, बड़े जो दिग्गज होते हैं जो उम्मीदवार होते हैं वो इन्हीं दोनों पार्टियों के होते हैं। लेकिन थी तो वासुदेव जी, थी तो आज अगर स्थिति ये होती है तो इसके पीछे पार्टी रही नहीं, कांग्रेस 18 राज्यों में ये जो इस स्थिति में आई है उससे हम ये नहीं नकार सकते कि कांग्रेस पार्टी अब नहीं रहेगी। एक बार दो आए थे, हम तो बड़े उनसे जीते। बिल्कुल ठीक है, आप दो से यहाँ तक पहुंचे तो ऐसे ही जी वन से ये बस एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में राहुल का, लेकिन इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता है देवरानी साहब, ऐसे नहीं समझा जा सकता है कि बिल्कुल खत्म है, कहाँ पर आ गई, अब कोई बड़ी पार्टी नहीं रह गई है। यही वजह है कि अगर हार भी गए हैं, नीचे पहुंच भी गए हैं तो मजबूती से उठा भी जा सकता है, और इसलिए सब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। श्वेता जी, 2014 में ये 44 आए और 5 साल के कठोर परिश्रम के बाद 52 आए, तो ये सारे कांग्रेस कार्यकर्ता समझ रहे हैं कि नेतृत्व देने में अनसक्सेस रहे। जो उन्होंने राफेल की तरह मुद्दे उठाए, बचपनों जैसा भाषण किए, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। कांग्रेस भी दे रही है एक मौका, कांग्रेस भी दे रही है, अपने प्रवक्ता को भेज नहीं रही है, कांग्रेस अपनी बात रख नहीं सकती है। हम चर्चा भी कर रहे हैं तो फिर अपनी बात रखने का शायद आप लोग को मौका ज्यादा मिलता है, उसकी वजह यही है कांग्रेस ये मौके दे रही है। लगता है एक महीने से कांग्रेस का प्रवक्ता इससे ज्यादा हो गया, एक महीने से कांग्रेस का प्रवक्ता एक महीने से ज्यादा हो गया नहीं आ रहा है। बिल्कुल संभावना है कि एक महीना इनके लिए और बढ़ाने जा रहे हैं। ये भी फैसला कहीं ना कहीं ऐसा डालेगा, ये भी फैसला पैरालाइज हो चुका है। मित्र जी देखिए, मैं बता रहा हूँ कि किसी ना किसी रूप से कैसे भी कांग्रेस को आगे आना चाहिए। इस बात से तो हम सब सहमत होंगे कि आज भी देश में सबसे बड़ा विपक्ष है तो वो कांग्रेस ही है। सबसे ज्यादा एमपी अगर बीजेपी के बाद आए तो वो कांग्रेस के आए, तो कांग्रेस को इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी आंतरिक चीजों को, कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा, इससे जनता को लेना देना नहीं है। जनता को चाहती है तरक्की, जनता चाहती है विकास, और जब तक आपका एक प्रॉपर नेतृत्व नहीं रहेगा जो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देगा, चैनलाइज नहीं करेगा, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो ये चीज राहुल गांधी जी को सोचनी चाहिए, और राहुल गांधी जी से वरिष्ठ इतने नेता बैठे हैं, अशोक गहलोत जी इतने सीनियर हैं, और भी कई नेता जो बैठे हुए हैं वो आपस में बैठ के निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जबरदस्ती मुद्दे को खींचा जा रहा है, या तो कांग्रेस ये सोच के बैठी है कि हो सकता है 3-4 साल ऐसे ही कुछ बिना करे बिता दो, अगर बीजेपी ने गलत कर्म किए तो अपने आप हार जाएगी, या तो वो ये सोच के बैठे हैं, उनके दिमाग में ये स्पष्ट हम कुछ कर नहीं सकते, अपने आप 10 साल की रेन हो जाएगी इनकी, 10 साल के उसके बाद 11वें साल वापस, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता भी देख रही है, जनता भी इंतजार कर रही है, जनता भी इंतजार कर रही है, खासतौर से वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस से उम्मीदें हैं, जो चाह रही है कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी कुछ करेगी, उन लोगों को भी ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर है। बहरहाल वक्त खत्म हो चुका है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 60 के दशक में भी कांग्रेस कामराज प्लान लेकर आई थी, अब राहुल गांधी जो प्लान लेकर आ रहे हैं, क्या वाकई में सब कुछ बदलने की तैयारी है, कितना बड़ा ये फैसला होगा, हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कहा कि इस्तीफा दे दिया और इसके बाद तब से लगातार मान मनोवल का दौर जारी है। आज 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनसे मिलते हैं। हालांकि अशोक गहलोत जब मीटिंग के बाद बाहर आते हैं काफी पॉजिटिव नजर आते हैं, उनका कहना है कि पूरी बात उनके सामने रख दी है, कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि वो अध्यक्ष बने रहें, हम सभी ये चाह रहे हैं कि अध्यक्ष बने रहें, ये अशोक गहलोत ने कहा। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि सही वक्त का इंतजार है, सही वक्त पर बड़ा फैसला, सही फैसला राहुल गांधी लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये चुनाव नहीं, आने वाले भी बहुत से चुनाव है जिसके लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा, एक साथ होना होगा, मजबूती खड़े होना होगा, वो तभी होगा जब ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है कांग्रेस में वो खत्म हो, उस पर विराम लगे और उसी का इंतजार है। चलिए, 6 साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।